हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण मोटेरी। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको जो कुछ भी बताएंगे वो सीधे डायरेक्टली कटिंग करके ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारी दीदी की ना अभी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही है। तो दीदी, कटिंग आप ही करोगे? हाँ, कर दूंगी। हाँ ठीक है, तो इतना इतना आराम सुन लीजिएगा। हाँ, थोड़े ध्यान से सुनिएगा वीडियो, बिना स्किप करे, नहीं तो फिर आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना लाइक। फ्रेंड्स, इसको कटिंग करने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो कपड़ा है वो 2 मीटर है। कपड़ा हमारा जर्मन सिल्क है, जो मोटा वाला जर्मन सिल्क होता है वो इस साइड इसमें शाइनिंग है, इस साइड ये प्लेन है और ये थोड़ा मोटा होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस कपड़े को खोलकर सिंगल कर लेना है। सिंगल करने के बाद दोनों कोने से कोने मिलाकर इसको डबल कर लेंगे। डबल कर लिया हमने, इसके बाद हम इसको ऐसे में कटिंग नहीं करेंगे, खड़े में इसकी कटिंग नहीं करना है, हम इसकी कटिंग करेंगे आड़े में। आड़े में हम क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि हमारी इसमें खड़े में लंबाई आ नहीं पा रही है, इसलिए हम आड़े में ले रहे हैं। क्योंकि हमारे जो कस्टमर है उन्होंने 2 मीटर से भी थोड़ा छोटा कपड़ा ला कर दिया है, पूरा नहीं है वो, 2 मीटर में कम है, इसलिए हमने आड़े में लंबाई ली है। और आपको अपनी लंबाई के हिसाब से कपड़ा लेना है, और लंबाई के बाद आपको 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, इतना कपड़ा लेना है आपको। अब इस कपड़े को हम यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड। कपड़े को फोल्ड कर लिया है, इसके बाद हमने ये किनारे को कटिंग करने के लिए निशान लगा दिया, और यहाँ से हमको इंची टेप रखना है, और 1 इंच का हमने यहाँ पर मोड़ने के लिए रख दिया। ये तो हमारी कट जाएगी, और 1 इंच हमारा हो गया मोड़ने का। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है, और हमारी लंबाई है 35 इंच की, 35 पर निशान लगा दिया हमने, तैयार हमारी 35 आएगी। अब इंची टेप को वापस ले लेंगे और 2 इंच का निशान लगाएंगे हम नेफा मोड़ने के लिए, मतलब जो हमारी लास्टिक डलेगी उसके लिए होगा ये कपड़ा। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे, एक हमारी ये लाइन हो गई और एक ये हो गई। इसके बाद हम ये वाला जो घेर, हमारा जितना कपड़ा है हमारे पास, ये हम पूरा घेर में लेंगे नीचे के पैर में। तो इस कपड़े को नाप कर देख लेंगे, ये हमारा 18.5 इंच का है, तो इसका आधा कितना होगा, इसको ऐसे इंची टेप को मोड़कर आप देख लीजिए आधा कितना हो रहा है, 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे, इससे हमारा 20 सेंटर निकल आएगा, और 9.25 इंच पर निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। ये हमारा 20 सेंटर आ गया। अब सीधी लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींच ली हमने। ये वाली लाइन खींचने के बाद आपको एक लाइन यहाँ पर भी खींचना है, ये हमारी लाइन खींच गई है। अब आपको क्या करना है, ये नीचे के पैर की फिटिंग का निशान लगाना है। तो हम ये पूरी फिटिंग पूरी ले रहे हैं, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी हमको ये पूरी लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने पूरा ले लिया। अब आपको लगाना है ऊपर कमर का निशान, तो कमर का निशान थोड़े अलग टाइप से लगाना पड़ेगा, जैसे हम हमेशा लगाते हैं वैसे नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि ये अलग टाइप का प्लाजो है, फिशकट टाइप का बनाना है हमको। और तो उसके दीदी, वो फिशकट टाइप का मतलब पुराने जमाने में पैरला चलता था, वही पैरला ही बनाना है हमें, वो बचपन में मैंने खरीदा था, इसलिए नहीं बोला, मैंने तो पता नहीं कोई समझेगा या नहीं, अब इसीलिए मैंने पैरला नहीं बोला था। तो अब बनाना तो हमको पैरला ही है इसका, तो यहाँ से हमारा फिटिंग आएगा। तो अगर हमको यहाँ फिटिंग चाहिए तो यहाँ पर भी हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते, तो जो हमारा हिप का साइज रहेगा, आप अपने हिप का साइज के हिसाब से रखिएगा। हिप का साइज है इनका 38 इंच का, 38 का चौथाई भाग कितना आएगा, हाँ 9.5 इंच आएगा, 9.5 इंच में हमको प्लस कर लेना है 2 इंच, तो ये हो जाएगा 9.5 इंच में हमने 2 प्लस कर लिया, तो हमारा हुआ है 11.5 इंच। अब इसका आधा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 6.25 इंच। ये देखिए 6.25 इंच आ गए, तो यहाँ बीच सेंटर से हमें इंची टेप को रखना है, और 6.25 इंच पर निशान यहाँ लगाना है, और 6.25 इंच पर इस तरफ लगाना है। ये हो गया हमारा फिटिंग फिक्स निशान, और इसके बाद हमको रखना है 1/2 इंच सिलाई का, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हमको यहाँ से लगाना है क्रॉच एरिया का निशान, तो हिप का साइज हमारा 38 है, 38 का चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा, 9.5 इंच में हमको 2 ही प्लस करना है, तो हमारा हो जाएगा 11.5 इंच। तो हमें आगे चाहिए 11.5 इंच का, लेकिन हमको पीछे 11.5 इंच का नहीं चाहिए, पीछे चाहिए हमको 13.5 इंच का, मतलब पीछे हम चाहिए हमको 4 इंच बड़ा और आगे चाहिए हमको 2 इंच बड़ा। तो हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो अभी 13.5 इंच के हिसाब से ही करेंगे, मतलब कि 9.5 में हमने 4 इंच बढ़ा लिया है। हिप की फिटिंग एक बार और समझ लीजिए आप, हिप की फिटिंग हमारी 38 इंच है, उसका चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 इंच आ जाएगा, 9.5 इंच में हमने प्लस कर लिया है 4 इंच,
ठीक है। तो ये 13.5 इंच पर हमने ये निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ की इधर वाली फिटिंग लगाना है। तो आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है 20 सेंटर से और 17 इंच पर निशान लगा लेना है। और आप अपने घुटने के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं, या जहाँ से आपको पहनना है वहां से आप इंची टेप रखिए। और घुटने से कम 2 से 2.5 इंच आपको ऊपर नापना है। नाप लिया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक नाप कर देख लीजिए आपका कितना आ रहा है। जितना आएगा आपको उतने पे ये निशान लगाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिसका हम बना रहे हैं उनका 17 आ रहा था, तो हमने ये 17 पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमको लगाना है फिटिंग की निशान। तो यहाँ की जो फिटिंग है, जो गोलाई है, वो 20 इंच की है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। गोल गोल में हमारी 20 फिटिंग है, उसका आधा हो जाएगा 10 और 10 का आधा हो जाएगा 5। तो हमने ये 5 पर निशान लगा दिया और 5 पर ही इधर लगाना है हमको, इधर इस साइड भी। ये हमारे 5 पे इधर भी और इधर भी ये फिटिंग का निशान लग गया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा 10 पूरा। तो ये तो हमारा इतना हमें फिक्स चाहिए। इसके बाद हमको मार्जिन थोड़ा सा अलग से लेके चलना है। अब हमको क्या करना है, ये वाली यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इससे इसकी बराबरी से। तो आप नाप कर देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है हमारा, 6.25 इंच। तो यहाँ पर भी हमको 6.25 पर निशान लगाना है। ये लग गया हमारा फ्रेंड्स, हमारे इसके सारे निशान लग गए हैं। अब आपको क्या करना है, बस इसका शेप देना है और कुछ नहीं करना। तो हमने बड़ा स्केल ले लिया, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की खींच ली। अब इसके बाद ये बड़ा वाले स्केल से यहाँ से रखना है आपको ऐसे घुमाते हुए। ये हो गया और ऐसे ही हमको इस साइड घुमा दिया हमने इसको, वो भी पलट कर पलट दिया इसको, पलटा इसका भी शेप दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये निशान लगाने के बाद इसको यहाँ से लेकर यहाँ जाकर इसको मिला दिया और इसमें यहाँ पर कर दी हमने गोलाई। वो हमको करना है थोड़ा सा अंदर, वो भी 1.5 इंच। ये हमारा 1.5 इंच का निशान लग गया और यहाँ पर ऐसी सीधी लाइन जाएगी और ये हो जाएगा हमारा गोल, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बड़ा स्केल लेना है। आपको इस वाले निशान के पास से ऐसा तिरछा स्केल रखना है और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए निशान लगा देना है। ये हमारा शेप डल गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और वो भी आपको आधे आधे इंच दूरी से कटिंग करनी है। ये हमने आधा इंच मार्जिन का ले लिया, तो आपको भी ध्यान से लेना है ये मार्जिन वाला। इस साइड भी हमको ऐसे आधा आधा इंच लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हल्के हल्के से कोने कट करना है, गोल करना है इसको। ये हमारे गोलाई वाले निशान लग गए हैं। गोलाई करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से आपको इस वाले निशान के पास से लेना है। ये हमारे इसकी कटिंग हो गई है। अब हमको यहाँ पर एक कट लगा देना है और ऐसे ही कट हमको एक इस साइड भी लगाना है। हमारे ये फिश कट वाले प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। इसमें ज्यादा कुछ स्टिच करने के लिए नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगी, सिर्फ 3 से 4 मिनट में। हाँ इतना ही टाइम लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं बहुत सरल आपको बताऊंगी इसकी स्टिचिंग करना। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको लेना है और ये एक और ये दो पार्ट इसमें से अलग कर देना है, ठीक है। और ये दो अलग कर दिए, तो यहाँ वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, इस साइड वाले में यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लेके पूरे नीचे तक सिलाई लगाएंगे। ये जो दीदी ने निशान लगाए थे फ्रेंड्स, इसी के ऊपर से मैंने ये सिलाई लगाई है। अब हम इसको खोल देंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉइंट की सिलाई।
तो अभी जो है ना इसका मार्जिन इस साइड जा रहा है, ये देखिए इस साइड जा रहा है ना, तो यहीं पे हम ऐसी सिलाई लगाएंगे पॉइंट की। अब देखिए इस वाले में हमने ये जो मार्जिन है वो कहाँ करा है, इस साइड, और इस साइड मार्जिन करके पॉइंट की सिलाई लगाई है। अब हम जब दूसरा वाला स्टिच करेंगे तो उस वाले में मार्जिन हम जो हमने इस साइड किया है ना, उस वाले का मार्जिन हम इस साइड करेंगे, मतलब ऐसे पलट के पॉइंट की सिलाई लगाएंगे दूसरे वाले में। देखिए फ्रेंड्स, इसकी भी सिलाई लगा दी मैंने, इसकी भी लगा दी, इसका मार्जिन इस साइड और इसका मार्जिन इस साइड, मतलब दोनों का आमने सामने होना चाहिए मार्जिन। ऐसे अस्तीन की गोलाई रखते हैं ना अपन आमने सामने, सिर्फ वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट रखना है, तभी इस दोनों का मार्जिन ऐसे आगे साइड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम हो गया। अब यहीं से हम इसको लेंगे और यहीं से मिला देंगे क्रॉच एरिया से, क्रॉच एरिया से मिलाया। अब यहाँ से हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे क्रॉच एरिया की, और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें गोलाई में हम थोड़े थोड़े कट्स लगा देंगे, ज्यादा नहीं लगाना है कि यहाँ तक कपड़ा खसक जाए, बस थोड़े थोड़े से ही लगाना, बस जरा जरा से लगाए मैंने ताकि मार्जिन घूम जाए। और अब ऐसी सिलाई हम इस साइड भी लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी, यहाँ पर भी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसमें क्रॉच एरिया 2 इंच बड़ा रख रहे थे, फिर हमने 4 इंच बड़ा रखा, मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मतलब 2 इंच वाला जो रहेगा वो आगे के लिए है और 4 इंच वाला पीछे के लिए है। हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये 4 इंच वाला ही होगा पीछे के लिए, और ये जो निशान वाली साइड है इस साइड हम लेंगे, और ये निशान 2 इंच पर ग्रीन लगाया ही था। और अगर आपको कंफर्म करना हो तो एक बार और देख लीजिए, ये देखिए कितने पे आ रहा है, 2 इंच पे। तो यहाँ से ये जो सेंटर आ रहा है ना, ये जो सिलाई आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे आपको तिरछे में एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसी निशान से आपको कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना ये 2 इंच वाला आगे के लिए और 4 इंच वाला पीछे के लिए, तो एकदम परफेक्ट फिटिंग बन जाएगी। तो ये हो गई सबसे सरल प्लाजो की कटिंग, वो भी फिश कट वाले, और स्टिचिंग करना भी इजी है। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे यहाँ से, खोलने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पॉइंट की सिलाई क्रॉच एरिया के ऊपर, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक। तो ये क्रॉच एरिया में पॉइंट की सिलाई हमने लगा दी है, ये देखिए। और इसके बाद हमें लगाना है इसमें इलास्टिक, तो इलास्टिक लगाने के लिए हमारी जो कमर है वो है 30 इंच की, जहां से हम जीन्स पहनते हैं ये वो वाली कमर नापना है। नहीं, ये गड़बड़ हो गई, क्यों, कमर जो है ना वो 34 इंच की है, इलास्टिक 30 इंच के लिए नहीं है। हाँ चलो ठीक, हाँ ठीक है, चलो मैं ऐसे बता देती हूँ। तो कमर जो है ना फ्रेंड्स वो हमारी 34 इंच की, जहाँ से हम जीन्स पहनते हैं, ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है 4 इंच, तो हो जाएगा हमारा 30 इंच। तो 30 इंच की हमें इलास्टिक ले लेनी है, ये हमने 30 इंच की इलास्टिक ले ली है। इसके बाद इसको हमें यहाँ पर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देना है, रखने के बाद इसको पक्की वाली एकदम मजबूत वाली सिलाई लगाकर ज्वाइन करना है। ये हमारी इलास्टिक बन चुकी है। इसके बाद हमें अपने प्लाजो को फिश कट वाले को कर लेना है सीधा, और सीधा करने के बाद यहाँ से हम इलास्टिक लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसको पूरा मशीन के ऊपर कर देना है आपको, ये देखिए ये जो दीदी ने कट लगाया था ना यहीं से हमें लगानी है। तो यहाँ से हमने ये इलास्टिक रख दी, और यहाँ से हम इसको पलट देंगे, पलटने के बाद आधे इंच इसमें से मार्जिन अंदर कर देंगे। तो अब हमारे पास जो जगह बची है बस इतनी बची है कि हमारा बूट चल जाए, बस सिलाई चलने के लिए बूट के लिए जगह। पता है फ्रेंड्स, दीदी फिश कट वाले प्लाजो से मुझे एक चीज याद आई कि ये जो प्लाजो मतलब वो है ना जो पैरला, उसकी मेरी अच्छी स्टोरी है, बचपन की बहुत अच्छी स्टोरी मैंने ब्लॉग में बताई है। तो आप लोग जाकर ब्लॉग देखिएगा, आज का ब्लॉग देखेंगे आप, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बहुत ही मस्त स्टोरी है, बताए मुझे सुना के ही आपको बहुत खुशी हो रही है। अब हमें क्या करना है, ये इलास्टिक खत्म हो गई है इसलिए इसमें से ऐसे कपड़ा इकट्ठा करते जाएंगे, इलास्टिक को बाहर निकालते जाएंगे इस तरीके से, ये आ गई बाहर, अब फिर से अंदर करते जाएंगे। इसके बाद इसके मार्जिन को कर देना है बराबर, ये हो गया पूरी में से बराबर अच्छे से।
अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई लास्टिक को स्ट्रेच करके। 1 सेंटीमीटर दबाना है, मतलब 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। ये जो गोलाई की है हमने, उसकी वजह से 1-2 सिलाई है, तो उसके लिए आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से हमें 1 सेंटीमीटर दूर बगल में शिफ्ट हो जाना है और एक सिलाई और लगा देनी है। ये लास्टिक तो हमारी लग चुकी है, ये देखिए ये कुछ ऐसा लुक दे रही है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको जाना है नीचे और इसको फोल्ड करना है हमें। देखिए ये हमारा इतना फोल्ड करने के लिए जो दीदी ने रखा है 1 इंच, उतना ही हम करेंगे ऐसे 1 और ये 2 पलटी में। वैसे कोशिश तो हम एकदम सीधा सीधा मोड़ने की कर रहे हैं, पर अगर 1-2 चुन आती है छोटी सी तो हम बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये गोल है। ये देखिए हमने मोड़ दिया है, बंस तो ये कहीं से भी नहीं रहा है, और प्रेस लगा दे तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, और हम आपको ब्लॉग में दिखा भी देंगे कि कितना अच्छा दिख रहा है। और अगर आपको मोड़ने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप फिर मोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, इसमें भीग करवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको फोल्ड किया ऐसे ही हम दूसरे वाले पैर को भी फोल्ड कर देंगे। इस साइड का मैंने फोल्ड कर दिया है, अब इसको ऐसे बीच में से मिला देना है और यहाँ पर नीचे वाली क्रॉच एरिया की सिलाई लगाना है। इसको ये मिलाया हमने और कोने से बिल्कुल फिटिंग लगाएंगे 1/2 इंच से। फिटिंग हमारी हो चुकी है और इसमें अच्छे से आपको हाथ से गोलाई करके फिटिंग डालनी है ताकि फिश कट जैसा शेप आ जाए। अब इसी के ऊपर हम डबल सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स पैरला बनने के बाद इस पे प्रेस मेस लगा के हम आपको अच्छे से रख के कैसा ये लुक दे रहा है ये पूरा हम आपको ब्लॉग के चैनल पर दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेस अभी नहीं हुआ है और प्रेस होने के बाद ही ये मस्त वाला लुक देगा। तो ब्लॉग के चैनल पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, मतलब कल की वीडियो में। तो ब्लॉग के चैनल को भी जाकर देख लीजिए, और ब्लॉग के चैनल का नेम है प्रिया प्रीति ब्लॉग्स, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पैरले की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।